हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं मैग्नीशियम टेस्ट, कि मैग्नीशियम टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, और फ्रेंड्स मैग्नीशियम की रेफरेंस रेंज यानी कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, किसी पेशेंट का मैग्नीशियम कम क्यों होता है, क्यों मैग्नीशियम बढ़ जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कि मैग्नीशियम टेस्ट जो है वो क्या होता है, क्यों कराया जाता है। व्हाट इज मैग्नीशियम? फ्रेंड्स, इसको एमजी प्लस या एमजी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने जैसे पहले सोडियम पोटेशियम, ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीशियम है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी एक नमक होता है। और फ्रेंड्स, इसे मिनरल्स भी कहा जाता है, और मिनरल्स में इसे मास्टर मिनरल्स कहा जाता है। मास्टर मिनरल्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर में लगभग 700 के करीब ये मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है, ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर करीब 700 फंक्शन के अंदर जो मैग्नीशियम होता है ये पार्टिसिपेट करता है। और फ्रेंड्स, ये लगभग 300 के करीब एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनमें भी मैग्नीशियम अपना सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मैग्नीशियम पाया जाता है हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यू, हमारे शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके अंदर, मसल्स में, हमारी बोन्स में जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके अंदर, और कुछ बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। अब आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, जो हमारा मैग्नीशियम होता है इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी ये मदद करता है। हेल्प इन प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोटीन बनाने में भी जो मैग्नीशियम है ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड लर्निंग एबिलिटीज, यानी कि जिस किसी को जैसे कोई सीखने की जो चाहत होती है या काबिलियत होती है, तो फ्रेंड्स उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रेगुलेट इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन और सेक्स हार्मोन है उसको भी ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। इम्पोर्टेंट ऑफ रेगुलर हार्ट बीट, इम्पोर्टेंट ऑफ नॉर्मल नर्व फंक्शन, यानी कि जो हमारे नर्व्स का जो फंक्शन है वो ठीक तरह से काम कर सके, तो उसमें भी ये मदद करता है। हमारे शरीर के मसल्स में खिंचाव पैदा ना हो, मसल्स क्रैम्प को रोकता है, और शरीर में जैसे कोई दर्द पैदा होता है, ठीक है, तो मसल्स में तो उसको भी रोकता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को अगर कोई मसल्स क्रैम्प हो रहा है या कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है मैग्नीशियम, ठीक है। गुड फॉर टीथ और बोन्स, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं और हमारी हड्डियां होती हैं उसमें भी मैग्नीशियम का अहम रोल होता है। रिड्यूस टायर्डनेस, यानी कि जो हमें कोई थकान महसूस होती है ना, तो उसके अंदर भी मैग्नीशियम का अहम रोल रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड, यानी कि ब्लड का जो टेस्ट है वो क्यों कराया जाता है और किन पेशेंट्स का या किन पर्सन का ये टेस्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट उन मरीजों में बहुत अच्छा होता है जिन मरीजों को ये शिकायत होती है कि उनके शरीर में वीकनेस है या उनमें मसल्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं या उन पेशेंटों में कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसे पेशेंट में मैग्नीशियम टेस्ट कराया जाता है और उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी ये टेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिनका दिल की जो धड़कन है, धड़कन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे एरोमिया, जिसे एरोमिया बोलते हैं, तो उसकी वजह जानने के लिए भी मैग्नीशियम टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है तो दिल की धड़कन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम फ्रेंड्स की हमारी किडनीज अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं, तो उसके लिए भी मैग्नीशियम का टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और वो कंडीशन देखने के लिए भी डॉक्टर्स मैग्नीशियम टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी पेशेंट का मैग्नीशियम का ब्लड में लेवल कम या ज़्यादा हो जाए या हो गया है
और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कि सपोज करो कि किसी पेशेंट का मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा है या कम है, और अगर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रखा है तो वो ये चेक करने के लिए भी ये टेस्ट कराते हैं कि उनका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है और उस ट्रीटमेंट की वजह से मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सभी कंडीशनों में मैग्नीशियम का टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए या कितना होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। तो इन्फेंट्स के अंदर जो होता है फ्रेंड्स 1.4 से लेके 2.0 मिली क्यूएंट्स पर लीटर, चिल्ड्रंस के अंदर फ्रेंड्स 1.4 से लेके 1.7 मिली क्यूएंट्स पर लीटर, और एडल्ट के अंदर फ्रेंड्स 1.3 से लेके 2.1 मिली क्यूएंट्स पर लीटर। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नीशियम की नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब फॉर मैग्नीशियम टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि किस ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम का सैंपल लिया जाता है। तो 3 से 5 ml ब्लड SST ट्यूब या रेड टॉप ट्यूब के अंदर लेना होता है। SST ट्यूब होती है जो हमारी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है, या रेड टॉप ट्यूब जिसके अंदर कोई कोगुलेंट नहीं होता है। और हमारी जो SST ट्यूब होती है इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जिससे क्या है कि जैसे हम सैंपल देते हैं तो कुछ ही टाइम के अंदर हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। हमें ये ट्यूब स्टैंडिंग पोजीशन में रखनी होती है जिससे कि हमारा सैंपल हीमोलाइज ना हो जाए, और थोड़े ही टाइम बाद, जैसे मान लो 10 to 15 minutes बाद, हम इसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये टेस्ट फिर हम लैब के लिए भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके कॉजेस की। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर कॉजेस ऑफ हाई मैग्नीशियम इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर अगर मैग्नीशियम का लेवल हाई है या हाई हो रहा है तो उसके कारण क्या है, क्यों हाई हो रहा है, किस कारण की वजह से मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है। हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर मैग्नीशीमिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड के अंदर मैग्नीशियम लेवल अगर ज़्यादा है या हाई है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर मैग्नीशीमिया, यानी हाइपर मैग्नीशीमिया मतलब ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा हो जाना। बात करें फ्रेंड्स हम इसके कारण की, तो सबसे पहला कारण है इसका रीनल या किडनी फेलियर। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी हमारे मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा रहता है, पुअर रीनल फंक्शन। ठीक है, किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हो तब भी मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। या फ्रेंड्स, ऐसी मेडिसिन जिसमें मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट ऐसी दवा ज़्यादा इस्तेमाल करे तब भी कई बार मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म में, एडिसन डिजीज में, या फिर एक या दोनों एडरेनल ग्लैंड ऑपरेट करने की वजह से हटा दिए हों, यानी कि अगर किसी पेशेंट के एडरेनल ग्लैंड अगर रिमूव कर दिए गए हों तब भी फ्रेंड्स मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कॉजेस ऑफ लो मैग्नीशियम इन ब्लड। जैसे कि हमने पीछे बात करी हाई की, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर लो मैग्नीशियम की, यानी हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो रहा है, यानी कि जो हमारी रेफरेंस रेंज है अगर उससे कम जा रहा है। ठीक है, लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोमैग्नीशीमिया, यानी कि अगर बढ़ रहा है तो हाइपर मैग्नीशीमिया, अगर किसी का कम हो रहा है तो हाइपोमैग्नीशीमिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है इसकी सीवर डायरिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा किसी पेशेंट को जैसे कि डायरिया जो हो जाता है उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन ज़्यादा पास आउट हो जाना, इस कंडीशन में भी मैग्नीशियम का लेवल डाउन हो जाता है। सार्कोसिस, हाई कैल्शियम इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ रहा है तब भी मैग्नीशियम डाउन हो सकता है। हाइपरथायरॉइडिज्म, अगर किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म है तब भी मैग्नीशियम का लेवल कम हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस, ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, यानी कि अगर कोई एल्कोहल का ज़्यादा यूज करते हैं तब भी मैग्नीशियम डाउन हो सकता है। किडनी डिजीज, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो भी फ्रेंड्स मैग्नीशियम का लेवल डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी कंडीशंस में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।